मैं तो ये कस्टमर ने ये फोटो दिया है और आप देख सकते हैं कितना डैमेज्ड है और ब्लैक एंड व्हाइट है, कैसे हालत है। और बोला है कि प्रशांत भाई आप उनको एकदम DSLR फोटो मांगता है। ये फोटो की कंडीशन है, कुछ डिटेल नहीं है आंखों की, ये माथे की, तो इसको कैसे कंप्लीट किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से प्रशांत राठ के जबरदस्त नए वीडियो में। आज ऐसा फोटो रिस्टोरेशन किया है, इतना खराब फोटो रिस्टोरेशन किया है, ऐसा वीडियो या ऐसा फोटो रिस्टोरेशन शायद ही आपने कहीं पे देखा होगा, ज्यादातर कोई करता नहीं है। कैसे इस फोटो को किया वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कई सब्सक्राइबर मुझे पूछते हैं कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, और इतने मैसेज करते हैं, पर्सनल नंबर भी दिया है, तो करीबन करीबन 1.5-2 हज़ार मैसेज वो आए हैं और कमेंट भी बहुत सारे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहता है, पर्सनल हो या काम के सिलसिले में हो, तो मैं हर किसी को मैसेज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक ही सवाल बार बार अलग अलग लोग पूछते हैं, तो हर किसी को एक ही आंसर देना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं दिल से चाहता हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए, इसलिए मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। आपकी जो भी दिक्कत आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। इस वीडियो को मैं सभी कमेंट पढ़ूंगा और उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। आते हैं आज के इस वीडियो के ऊपर कि किस तरह से आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि ऐसा फोटो कस्टमर ने दिया है और बोला है कि इसको DSLR का बनाओ। ये तो ये एक चैलेंज है। हालांकि इस जो मैं बनाया था, बहुत लंबी करीबन 2 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने स्टेप बाय स्टेप, पर रिकॉर्डिंग होने के बाद देखा तो वो एक रिकॉर्डिंग की फाइल थी, करप्ट हो गई थी। पर मैं अभी, मेरे पास PSD है अवेलेबल, तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा और जो भी फ्लो रहेगा, जो प्रोसेस रहेगा, आप समझिए और अपने फ़ोटो में अप्लाई कीजिए, क्योंकि रिस्टोरेशन का हर एक फ़ोटो अपने लिए चैलेंज होता है। एक ही स्क्रिप्ट नहीं होती, अपने उस फोटो के अकॉर्डिंगली आपने काम करना होता है। तो इस फोटो में मैंने कैसे काम किया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप समझिए। कोई दिक्कत आती है कमेंट कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वीडियो ज़बरदस्त बनाया है, इसलिए आप बहुत टाइम दिया है इस वीडियो को बनाने के लिए, फोटो को बनाने के लिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जो भी दिक्कत आती है कमेंट कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो इसको सिंपली इतना पोर्शन भी नहीं चाहिए, तो इतना पोर्शन डिलीट किया, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया A4 शीट पे। तो ऐसा हुआ। अभी आप देख सकते हैं फोटो के माथे के ऊपर फोटो, यहाँ के कोई डिटेल नहीं और यहाँ एकदम ब्लैक हुआ है। मतलब इसमें क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, और कॉन्ट्रास्ट की वजह से हो क्या रहा है, ये फोटो और ज़्यादा एक्सपोज लग रहा है। तो इसको पहले तो हमें इसको न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल मतलब क्या, अभी ये ज़्यादा डार्क है, उसकी डार्कनेस कम करना पड़ेगा, और इधर ज़्यादा व्हाइट है, ये व्हाइटनेस थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा फेड करना पड़ेगा। तो कंट्रोल यल करके मैंने थोड़ा सा इसको कंट्रास्ट ये कर दिया है, डल कर दिया, या इसको फेड कर दिया बोल सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कितना डिफरेंस आ गया इसमें, इस फोटो में क्या था और इसको फोटो में क्या था। ऐसा करने से क्या हुआ, जो छोटी छोटी डिटेल थी, शैडो और हाईलाइट का एक ऑप्शन है देख सकते हैं यहाँ पे, इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा एडजस्ट करके मैंने ये डिटेल थोड़ी इन्हांस कर दी है, ठीक है। इतना होने के बाद अभी आप फेस पे देख सकते हैं कितना यहाँ पे आंखों के नीचे, ये नाक का तो कुछ डिटेल नहीं है, ओठ का कुछ डिटेल नहीं है, बालों का ये डिटेल गायब हो गया है। तो इसको कैसा करेंगे, तो इसको क्या है, मैंने स्मूथ कर दिया स्किन को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो आंखों के नीचे की डिटेल थी, नाक के नीचे की डिटेल थी, वो थोड़ा क्लीन हो गया, गंदगी थी, नॉइज़ वगैरह वो सब निकाल दिया है। आंखों के अंदर कुछ डिटेल है नहीं, लिप्स के अंदर और नाक की कुछ डिटेल है नहीं। तो उसको क्या कर दिया, अभी आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा लाइट है। ओरिजिनल इस फोटो में क्या थे, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट था, इसलिए हमने फेड करके लिया, इसको हमने स्मूथ कर लिया और एकदम फ्लैट लग रहा है, इसलिए हमें फिर से उसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, ताकि जो शैडो की डिटेल है, शैडो की, वो थोड़ा उभर के आए और डेप्थ मिले और वो थोड़ा सा थ्रेडी लगे, इसलिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप
देख सकते हैं कि आंखों की जो डिटेल नहीं है, लिप्स की डिटेल नहीं है, आईब्रो की वगैरह वो, तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंपली डिफॉल्ट सॉफ्ट राउंड ब्रश से ब्लैक कलर पिक करके थोड़ा 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 ड्राइंग कर लिया। लिप्स की आउटलाइन देख सकते हैं, लिप्स की आउटलाइन डाल दी है, आंखों की आउटलाइन डाल दी है, बालों के ऊपर थोड़ा सा डार्क कर दिया मैं, और मूछे थी उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैंने ड्रॉ कर दिया, और आउटलाइन दिखाने के लिए शर्ट की ये आउटलाइन ड्रॉ कर दिए है, थोड़ी सी जान आ गई इस फोटो में। अभी इसी फोटो के ऊपर एक ब्लेंडिंग मोड कलर किया है न्यू लेयर लेके, और उसके ऊपर ये बिस्किट कलर है या स्किन का कलर है उसके ऊपर मार दिया है, और उसका थोड़ा सा हल्का सा पिंक कलर मैंने लिप्स में मार दिया है और आंखों में नहीं मार दिया है ताकि आंखें ये लगे वाइट लगे। ठीक है, इतना होने के बाद अभी तो इसको इतना अभी कट करके लिया है, अभी इसके बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इतना कट करके लिया है। कट करने के बाद मैंने इसको शर्ट लगाया है तुरंत ही, या मेरे पास ये स्मज करके रखा था वो, उसी को कई फोटो में मैंने इस शर्ट को यूज़ किया है, तो ठीक है फ्रंट एंगल से, तो मैं इसको लगा दिया है, एडजस्ट कर लिया है, और इतना एडजस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसमें क्लीन अप कर दिया है। अभी बालों के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने पूरा ब्लैक कलर मार दिया, जो एजेस है उसके ऊपर थ्री डॉट वाले ब्रश से मैं स्मज कर लिया, और जो आँखों की डिटेल है आँखों में काला कलर मार दिया है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, और उसके अंदर का जो ग्लो दिखाने के लिए चाहिए होता है वो मैंने ऐड कर दिया है, और थोड़ा थोड़ा रफ मैंने इसको स्मज कर दिया है ताकि और जान आ जाए। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि हेयर की डिटेल नहीं है, तो हेयर एकदम ब्लैक लग रहा है, तो हाईलाइट ऐड कर दिया है थोड़ा थोड़ा सा, हालांकि ये मैंने थोड़ा ब्लू कलर में स्ट्रोक मार दिया है, डायरेक्ट ब्रश लेके स्ट्रोक मार दिया है। मैं CA6 यूज़ करता हूँ, जो अगर CC इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे स्मूथनिंग का एक ऑप्शन यहाँ पे दिख सकता है आपको, वहाँ पे स्मूथ हेयर ड्रॉ कर सकते हैं माउस से भी, पेन टेबलेट की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इतना करने के बाद अभी हमें कोई तो एक डिसेंट सा बैकग्राउंड चाहिए। हर ये मैं बोल देता हूँ कि कस्टमर ने, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि कस्टमर को डिजिटल पेंटिंग नहीं चाहिए, कस्टमर को नॉर्मल फ़ोटो चाहिए, और ये नॉर्मल फ़ोटो करने के लिए हमें क्या होता है, रिस्टोरेशन के फ्लो में जाके ही एंडिंग में उसको रियलिस्टिक कर सकते, तो मैंने इसको डिजिटल पेंटिंग ना करने की सोच के नॉर्मल करने की सोचा है, और उस हिसाब से मैंने कर रहा हूँ। तो इसमें हालांकि रफ हेयर डिटेल दिखाने के लिए मैंने स्ट्रोक ऐड कर दिया है, और अभी एक मेरे पास ये डिसेंट सा बैकग्राउंड है, डिजिटल पेंटिंग बैकग्राउंड नहीं, ये स्टूडियो में वगैरह ऐसे बैकग्राउंड ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इस तरीके से मैं इसको यूज़ किया है, और इसके बाद ये बैकग्राउंड है। इसके बाद मैंने क्या किया है, इस फोटो को रेनिमी ऐप से एनहांस कर दिया है, आप देख सकते हैं ये फोटो है, और बैकग्राउंड ऐड करके इसको एक बार मैंने रेनिमी ऐप से इनहांस कर लिया है। तो इनहांस होने के बाद क्या होता है, जो डिटेल हेयर की डिटेल हमने रफ ड्रॉ कर दी थी वो एज नेचुरल हेयर टाइप हो लगेगी, और जो स्किन के ऊपर टेक्चर वगैरह आ जाएगा, और थोड़ा रियलिस्टिक दिखने लगेगा। आप आईब्रो वगैरह देख सकते हैं, थोड़ा नेचुरल लगने लगा है मूछे वगैरह, इसको थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया, और क्योंकि रेनिमी ऐप से एनहांस करते हैं ना, तो क्या होता है फोटो आप देख सकते हैं डार्क है, ये रेनिमी ऐप से एनहांस करने के बाद फोटो लाइट हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा चेहरा सिलेक्ट करके उसको थोड़ा सा डार्क कर दिया है, और ये फोटो को मैंने इतना करके कस्टमर को भेज दिया, तो उन्होंने क्या बोला कि प्रशांत भाई बाकी तो सब सही है, मैच हो रहा है, पर आइज है वो थोड़ी अलग है या ज़्यादा डार्क बनाई है, उसको थोड़ा सा लाइट कर दो, कंपैरिजन करके ओरिजिनल फोटो है उसको देख लो। आप ओरिजिनल फोटो में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा ग्लो है, ज़्यादा एकदम डार्क आँखें नहीं है, वो भूरी भूरी आँखें होती है उस टाइप की आँखें है बोला, तो मैंने उसको थोड़ा सा ओरिजिनल से ही कट करके यहाँ पे लगा के फिर से थोड़ा रेनिमी कर दिया, तो आप आँखें एकदम वो वाइट या भूरी आँखें लग जैसे दिखेगी, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डॉज टूल से यहाँ पे हाईलाइट ऐड कर दिया है। इतना किया है, और अभी इतना करने के बाद अभी मैं फिर से कस्टमर को फोटो भेजूंगा, उसकी राय ले लूँगा, जो भी चेंजेस बोलते हैं मैं करके फाइनल इस फोटो को कर दूँगा। ये कस्टमर ने दिया हुआ ये ओरिजिनल फोटो है, ठीक है, और हमने बनाए इसका कंपेरिजन करके देख सकते हैं कि किस तरह से हमने फोटो को बनाया है।
इतना ज़बरदस्त बना है। आप माथे की डिटेल, आंखों की डिटेल, लिप्स की डिटेल, शर्ट की डिटेल, बैकग्राउंड की डिटेल, हेयर की डिटेल, आईब्रोज की डिटेल, नाक की डिटेल और कान की डिटेल आप देख सकते हैं। कितना, अब कान की डिटेल देखिए कितना इसमें ये जान डाल दी है, बहुत मेहनत किया है इस फोटो पे। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और साथ ही मुझे बताइए कि आपको इसमें खामी क्या लगती है। मैं बनाता हूँ तो मैं एक फ्लो में और फास्ट बनाता हूँ अपने हिसाब से। आपको ओरिजिनल में कंपेयर करके अभी दिखाया, तो ये दोनों फोटो में आपको क्या गलती लगती है, मेरे फोटो में क्या गलती लगती है, ये भी आप मुझे कमेंट कीजिए। कुछ अच्छी बात लगी तो वो भी बताइए, कुछ सीखने को मिला तो भी बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।